दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन से हम किसी स्मार्ट टीवी को कैसे कनेक्ट करके उसका डेटा जो है उसे कैसे हम रिमोट कंट्रोल की तरह कार्य कर सकते हैं। तो बिना कोई वायर के हम कैसे अपने मोबाइल से हम कैसे स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहिए और हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए आपको यहाँ पर रिमोट कंट्रोल वाला सेटिंग वाला की दबाना होगा। फिर आपको क्या होगा, सेटिंग यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हिंदी में है तो इस प्रकार कुछ दिखाई दे रहा है। आपको नेटवर्क पे जाना है। फिर आपको नेटवर्क पे जाने पर बात क्या करना है, मैंने नेटवर्क पे गए। फिर आपको वायरलेस पे जाना है। फिर आपको वायरलेस पे कनेक्ट यहाँ पर करना होगा। इस पर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है नेटवर्क। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर नाम देना है। फिर आपका क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पासवर्ड डालना। मैंने इसे पहले से कर रखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर जाता हूँ। पहले जो इसमें सेवेस है, पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, हॉटस्पॉट ऑन करना। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, हॉटस्पॉट ऑन कर देना है। क्या करना है, यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन कर देना है। यहाँ पर हॉटस्पॉट मैंने ऑन कर दिया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको, यहाँ पर आपको कनेक्टेड हो गया है यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, इसको एग्जिट आना है। फिर एग्जिट वाले बटन से एग्जिट आना है। एग्जिट मैंने आ गया है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है ई शेयर पर, इसको बात इसको क्लिक करना है। इसके बाद आप में क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपके एक एंड्रॉयड फ़ोन होगा जिसमें आपको एक ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपका एक QR कोड दिया गया है, इसमें डाउनलोड लिंक भी दिया गया है। आप चाहे तो डायरेक्टली इस लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सो फाइनली दोस्तों क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन की स्क्रीन में जाते हैं। फ़ोन की स्क्रीन में जाने के बाद आपको कोई सा भी यहाँ पर स्कैन करने वाला गूगल है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर गूगल, यहाँ पर QR कोड, इस तरह आप वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर फ़ोन में कुछ इस प्रकार सजेशन पाएगा डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए। फिर अपने फ़ोन में आना। फ़ोन में आने के बाद आपको यहाँ पर ऐप्स जो डाउनलोड किया गया है यहाँ पर दिखाई देगा। आपको ये शेयर वाला ऐप्स दिखाई दे रहा है। फिर आपको ओपन करना है इसको। आपको ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा होगा। फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं क्लिक यहाँ पर फ़ोटोज़ पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आप दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर फ़ोटो पे मैंने जैसे ही क्लिक किया है यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर शो करने लगा है। देख लीजिए कैसे ही इसका बदल रहा है PNG में। तो आप दोस्तों देख लीजिए, अगर जैसे मैं अगर जो वीडियो चलाना चाहता हूँ यहाँ पर वीडियो चलने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो चलने लगा है। अगर जो ऐसे में आप करना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने मिररिंग करके पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ़ोन जो है कनेक्टेड हो जाएगा स्मार्ट टीवी में। फिर आप जो आप अपने फ़ोन में करेंगे वो उसमें होने लगेगा। अब ऐसे फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यूट्यूब ओपन करता हूँ। फिर यूट्यूब ओपन करने के बाद अब देख सकते हैं आप जो भी कर रहे हैं सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं अगर जो ऐसे ही किसी चैनल को सर्च करता हूँ, मैंने अपना चैनल ही सर्च कर ले लिया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर चैनल दिखाई देने लगा है। तो आप दोस्तों ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार ये काम कर रहा है। देख लीजिए, मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पर वीडियो भी चलने लगा है। यहाँ पर आप सुन रहे होंगे वीडियो की वॉइस सुनाई दे रहा होगा। दोस्तों आप चाहते हैं तो इस पेन को इधर साइड में कर सकते हैं या इसे हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हम फ़ोन में कर रहे हैं वो फ़ोन में आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ डिसकनेक्ट करना है इसको। तो फाइनली दोस्तों आप डिसकनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर ऐप्स में जाएंगे, वही ऐप्स में जाएंगे। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये वाला मेन ऑप्शन करने के बाद आप यहाँ पर इस ऐप्स को ऑन करेंगे। इस ऐप्स को ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ से वॉल्यूम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑन करने के बाद डिसकनेक्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। फिर आपको कुछ इस प्रकार शो होने लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बाय करना है तो यहाँ से एग्जिट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको एग्जिट कर सकते हैं। तो सो दोस्तों आप डायरेक्ट होम पे पहुँच गए हैं। अगर आपने नहीं समझ पाए तो आपको क्या करना है, अगर दूसरे तरह से HDMI अगर लैपटॉप से करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लैपटॉप से कर सकते हैं। लैपटॉप से करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा HDMI, यहाँ पर
इसके बाजू में HDMI दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। HDMI क्लिक करने के बाद आपको HDMI केबल ऐड करना है जो कि लैपटॉप टू टीवी में कनेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट HDMI केबल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो जरा से भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। जिस समय इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।